आप देख रहे हैं ये ग्राउंड शॉपर है, इसे टिड्डा बोलते हैं। ग्राउंड शॉपर एक इंसेक्ट में रखा गया है, आर्थ्रोपोडा फाइलम का एक इंसेक्टा वर्ग है, क्लास है उसका ये मेंबर है। ये किस तरीके से चल रहा है, इसको इंसेक्ट क्यों कहा जाता है, इसके थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, टू पेयर्स आगे हैं छोटे हैं और ये जो तीसरा पेयर है जो ये लंबा वाला है, ये इसकी बॉडी देखिए ग्रीनिश कलर की है, हल्का सा ग्रीनिश कलर, हालांकि ये पूरा ग्रीन नहीं है, ये दूसरी वैरायटी है इसकी। इसमें आगे एंटीना दो पाए जा रहे हैं और दोनों एंटीना जो है ये सेंसिटिव होती हैं, किसी संवेदना को लेने का काम करते हैं और ये जज करने का प्रयास कर रहा है कि हमें कोई देख रहा है। इसका जो है आगे का एंटीना जो है ये देखो, ये अलग स्वतंत्र है, ये फ्री है, ये थोड़ा वहाँ से हट गया है, इसको एहसास हो गया है कि कोई हमें टच कर रहा है क्योंकि हमने इसके एंटीना में टच किया था, तो इसको एहसास हो गया है कि कोई टच कर रहा है, इस वजह से वहाँ से जंप करके यहाँ आ गया। अब इसको बारीकी से आप लोग देख सकते हैं कि इंसेक्ट क्यों कहा गया है, इंसेक्ट इसलिए कि थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स पाए जा रहे हैं। अब इसके ऊपर काइटिन का ऊपर से खोल पाया जा रहा है, ये तिरछी आँखों से देखने का प्रयास कर रहा है कि कोई हमें जज कर रहा है। हालाँकि थोड़ा रात में लिया जा रहा है इसका फिगर, इस वजह से इसका वीडियो रात में बनाया जा रहा है, इस वजह से थोड़ा ये है, इसको देखने का प्रयास करिए इस तरह से इसको। स्टूडेंट ये देख लीजिए, बिल्कुल अपने एंटीना को बिल्कुल सीधा किए हुए हैं, बिल्कुल अलर्ट है, इसको पता है कि, और साइड में इधर छिपकली है एक, इधर लाकर स्टूडेंट देखिए ये प्रे के रूप में है, ये टिड्डा बैठा हुआ है, ये शिकार है और इसका शिकारी यानी लेजार्ड ये दीवार में है, लेकिन शेप में थोड़ा डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा है ये दूसरी वैरायटी का है, वो भी सचेत है बिल्कुल, ये भागने का प्रयास कर रहा है, उधर जाने का प्रयास कर रहा है और ये समझ रहा है कि इसका वीडियो बनाया गया है और छिपकली भी बैठी हुई है। स्टूडेंट देखिए कितना बड़ा है, इसका काफ़ी बड़ा साइज है, दीवार में चढ़ने का प्रयास कर रहा है, काफ़ी बड़ा है साइज में और इसकी दूसरी वैरायटी है। आप लोग फूड चेन पढ़े हैं, फूड चेन में एक शिकार होता है, एक शिकारी होता है, जो ये देखो चढ़ रहा था गिर गया है और इसी जगह बगल में छिपकली भी है दीवार में, ये छिपकली आप देख रहे हैं, क्योंकि दीवार में चिपकी है इस वजह साफ साफ नहीं नज़र आ रही है, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये देखो और इसी जगह पर ये नीचे बैठा है ये दीवार में, ये काफ़ी बड़ा है, तो बड़े होने की वजह से छिपकली इसको खा नहीं पा रही है, ये काफ़ी बड़ा है और छिपकली उस हिसाब से देखा जाए तो छोटी है, तो शिकार कभी कभी काफ़ी बड़े होते हैं तो उनको नहीं खा पाते हैं उनके शिकारी, तो ये फूड चेन का एक हिस्सा है जिसमें छिपकली शिकार का काम कर रही है, शिकारी का कार्य कर रही है और ग्रास हॉपर शिकार है। और अब ध्यान से देखिए दोनों बिल्कुल पास पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसको एहसास है कि हमको हमारे ऊपर कोई नज़र रखी जा रही है, ये दोनों है, ये देखो ये दीवार में चिपकी है छिपकली बहुत छोटी इसके अनुपात में, ये देखो ये जा रहा बिल्कुल पास पहुंच रहा छिपकली के, ये देखो छिपकली के जस्ट ऊपर है और छिपकली दीवार में चिपकी, उसके बाद भी छिपकली की हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये देखो छिपकली से आगे निकल रहा है, अभी साइज में छोटा होता तो छिपकली उसको दौड़ा के पकड़ लेती, शायद छिपकली भी अपने बचने का तरीका ढूंढ रही है, तो कभी कभी शिकारी जो होते हैं छोटे शिकारों को ही अपना शिकार बनाते हैं, वो आगे निकल गया। तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ इसके विषय में
समझने का प्रयास किया होगा कि इंसेक्ट है ये, थ्री पेयर ऑफ लेग्स हैं, काइटिन का ऊपर से स्केलेटन पाया जाता है, काइटिन का बना हुआ एंटीना पाए जा रहे हैं, और पीछे वाले पैर जो है काफ़ी बड़े होते हैं, आगे के पैर दोनों जो दो पेयर हैं टू पेयर वो छोटे हैं, पीछे वाले जो है ये देखो किस तरह से करने का प्रयास कर रहा है, जंप करने में मदद करते हैं इसको आगे, ये चल रहा है, इसमें किस तरह से ये चल भी सकता है, इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो चल भी सकते हैं अपने पैरों से, और पंख होते हैं तो उड़ने का भी कार्य कर सकते हैं, यानी टू टाइप से इनमें एडेप्टेशन होता है लोकोमोशन के हिसाब से देखा जाए तो। ये दूसरी वैरायटी है, जनरली ग्रीन कलर के ग्रास हॉपर पाए जाते हैं, टिड्डियाँ होती हैं जो खेतों में काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं फसलों को, बैठ जाती किसी भी खेत में तो फसलों को काफ़ी भारी नुकसान होता है, आप लोग सुने पाकिस्तान से काफ़ी टिड्डियाँ हिंदुस्तान में राजस्थान वगैरह की तरफ उड़ती हुई चली आती हैं, लाखों की संख्या इनकी होती है, और इन पर जो है कंट्रोलिंग अगर न की गई ठीक ढंग से तो ये काफ़ी नुकसान पहुँचा देती है। इसका चलने का तरीका देखिए, दीवार में चढ़ रहा है, काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है ये, तो शायद इसके करेक्टर काफ़ी कुछ आप समझ चुके होंगे, और इससे बचना भी पड़ता है क्योंकि जंप करता है कहीं आँख में ना आ जाए तेजी से तो आँख भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो माय डियर, आप लोगों ने देखा कि इस वीडियो में एक जीव को मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक दूसरे जीव से मिलवाएंगे और उसके करेक्टर्स की स्टडी हम लोग करेंगे। थैंक्स।